शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से तुम्हारी शादी वरुण से होने वाली थी, फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? देखिए, जिन हालात में हमारी शादी हुई तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, और उस वक्त मेरी कोई भी बात कोई नहीं मानता। शादी सिर्फ एक मजबूरी हो। Exactly. इस मजबूरी का ही फायदा उठाया उस वरुण ने। अब सच सुन, वरुण तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे जो चाहिए थी वो उसे मिल गई। वरुण जी दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं ये मानती हूँ कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। अरे खाक अच्छा इंसान है वो, तो बन गया ना सबकी नजर में हीरो। मेरा क्या, मुझे और मेरे सपनों को तो बर्बाद कर दिया ना। अरे यार, नहीं करनी थी मुझे इतनी जल्दी शादी। यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। आज के दिन औरों की नहीं है, अपनी बात करते हैं। हमने अपनी शादी के लिए क्या क्या सपने देखे थे, उन गुंडों ने ना सब बर्बाद कर दिया। पर मेरी तो किस्मत ही बदलती उन गुंडों ने। वैसे थोड़ा सपना तो मेरा भी अधूरा रह गया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी दुल्हन बनने वाली हो तो इस पूरे कमरे को गिफ्ट से भर देता। नहीं वो तो क्या, चलो एक काम करते हैं, कल ना हम शॉपिंग पे चलते हैं। अब ऐसे हड़बड़ी में हुई शादी में तुम कुछ ला तो पाई नहीं होगी, तो एक काम करते हैं, कल तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है ना तुम वो सब कुछ खरीद ले। कल के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड सिर्फ तुम्हारा। ओके, सोच लीजिए, कीर्ति को क्रेडिट कार्ड देना बहुत भारी पड़ सकता है आपको। 2 लाख महीना कमाता है तुम्हारा पति, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है, और तुम पे तो ऐसे 500 क्रेडिट कार्ड कुर्बान। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। आई प्रॉमिस यू कीर्ति, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए आई विल ऑलवेज लव यू कीर्ति फॉरएवर। शादी पूरे सपने की तरह, एक डरावना सपना जो सच हो गया। कभी कोशिश मत करना। और एक बात ना, तुम कान खोल के सुनना, हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कभी कुछ नहीं बन सकता। मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। ना मेरा तुमसे कोई नाता है और ना ही तुम्हारा मुझसे, इसी में हम दोनों की भलाई है। श्रद्धा बेटी बहुत पसंद आई है। अब बेटा आप बताइए।
भागरत है ना आज तुम्हारी, अंदर सज धज के पत्नी जी इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बाहर चले भाग रहे हो। देख पहले से ही मेरा दिमाग चटका हुआ, इसलिए और मत चटका रहा। चलो तुम्हारे दफा होने का टाइम हो गया है, निकलो। हाँ तो तुमको कौन बोला था खलीफा बनने के लिए, और समाज सेवा के लिए शादी कौन करता है? हम बनेंगे खलीफा, करेंगे समाज सेवा। तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है बे? हाँ हो रहा है दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे नहीं देख सकते ना हम तुमको किसी और के साथ। हमारी लाइफ में ना आगे रायता बहुत फैला हुआ, प्लीज इसे और मत फैला। यार बताओ श्रद्धा। ये वही आदमी है पार्लर से बाहर निकलते वक्त जिस गुंडे ने हमारे गाड़ी को घेरा था, ये वही है, ये यही पर है। कहाँ? यहाँ नीचे। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके पास बंदूक है, कहीं इन्होंने आपको कुछ कर दिया तो हम पुलिस को फोन करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। की तो मैं छोड़ूंगा नहीं गुंडों को। मैं अभय, अभय इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? वो श्रद्धा ने यहाँ उस गुंडे को देखा जिसने उन पर अटैक किया था। यहाँ पे गुंडा? देख यार यहाँ तो गली के कुत्तों के अलावा कोई भी नहीं। श्रद्धा ने देखा है? अरे मेरे भाई तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर कोई नहीं है। देख जो कुछ भी हुआ है उसके बाद शायद वो सदमे में डरी हुई, और देखा जाए तो उसका डरना सही भी। तू टेंशन मत ले, तू इसे लेके कमरे में जा, मैं अच्छे से चेक करके सारे दरवाजे बंद करके फिर आता हूं। ओके लेकिन तू इतनी रात को कौन सी चौकीदारी कर रहा है? ओ मैं अब वो मैं एक्चुअली अब मुझे भी लगा कि यहाँ पे कोई है तो मैं चेक करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। वो क्या है ना कि जो कुछ भी हो उसके बाद दिल में एक डर सा बैठ गया, पर तू टेंशन मत ले। क्या हुआ? तू गया नहीं?
आ जा तू जल्दी। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। इतने बड़े हादसे के बाद मन में डर बैठना नॉर्मल है, सो रिलैक्स। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी तो अभी नीचे देखा ना, कोई नहीं था वहां। तुम अब वहां सोफे पे सो जाओ। श्रद्धा बेटा, तुम बहुत जल्दी उठ गई। वो मुझे हमेशा से ही सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छी बात है। अच्छा बेटा, वरुण की दुल्हन, हमारा मतलब है कीर्ति की मुंह दिखाई नीचे, और अभय और तुम्हारी शादी जिस तरह से हुई है उसमें क्या ही रस्में करें। 10 लोगों के 100 सवाल और सबको सब कुछ पता है। श्रद्धा बेटी, अब ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें किसी भी बात की हिचक करने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई यहाँ ऊपर ही है, तुम्हें जब भी जो भी मन करे बना के खा सकती हो। जी। 9 बजे ना सबकी आदत है नाश्ता करने की, और तुम्हारा आज पहला दिन है, तो तुम क्या बनाओगी सबके लिए? जो भी आप बोले। हमें लगता है कि तुम ना पराठे बना दो, और हाँ पोहे और सैंडविचेस भी। अरे तुम्हारा पहला दिन है ना, वैरायटी होगी तो सब खुश होके खाएंगे। जी। वो मम्मी जी, आपको कुछ पता है कीर्ति कैसी है? क्या है कि कभी कभी। श्रद्धा बेटा, एक बात तुम समझ लो, कीर्ति नीचे वाले घर की बहू है और तुम ऊपर वाले घर की, तो यहाँ की बात वहां नहीं होनी चाहिए। हाँ तुम फ्रेशन अप हो जाओ, हम नाश्ते पे मिलते हैं। अरे अभय, नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ। लो आ गया हमारा बच्चा। मॉर्निंग। तेरे फेवरेट पराठे। अरे माँ, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, क्या पराठे बनाए। मम्मी थैंक यू सो मच, आपने मेरा रूम साफ कर दिया ना। साफ? हमने तो तुम्हारा कमरा साफ ही नहीं किया। क्या बात है भाभी, बहू के आते ही आपके हाथों में माँ अन्नपूर्णा के हाथों का स्वाद आ गया। तनु जी, अगर हमें पता होता कि सास बनते ही आपके हाथों में इतना स्वाद आ जाएगा, तो इसकी शादी पहले करा देते।
अरे श्रद्धा बिटिया कहाँ है, बुलाओ ना नाश्ते पे। कीर्ति उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बेट्टी बना के लाया, उठो ना प्लीज। देखो मुंह दिखाएगी रस्म के लिए, पड़ोस से औरतें आने वाली, तुम जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। कीर्ति उठो ना प्लीज, तुम बहुत थक गए और अभी तुम 12 भी नहीं बजे हैं कि आप हमें उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम थक गई हो, लेकिन अभी मुंह दिखाएगी रसम होने वाली, तुम एक काम करना, जब रसम हो जाए ना उसके बाद आराम से दोपहर में सो जाना। पर हम दोपहर में तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मुंह दिखाएगी रसम के बाद। ओके अब तुम ये चाय जल्दी से पियो और तैयार होके हॉल में आ जाओ। आई बी वेटिंग। और सो जाती। ये आपके कम शक्कर वाली चाय। बेटा तुम्हारा पहला दिन है, आराम करते हैं, तुम पहले दिन ही काम पर लगे, अभी तो शादी की थकान उतरी नहीं होगी। आओ बैठो, तुम भी नाश्ता साथ में करो। ये भी तो मेरा ही घर है ना। वैसे मुझे मम्मी पापा को सुबह सुबह चाय देने की आदत है और मैं अपने घर में भी मम्मी पापा के लिए करती थी, यहाँ पे भी मम्मी पापा के लिए करूंगी। भाई मान गए, दीक्षित भाई साहब ने अपनी बेटियों को बहुत बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। जीती रहो बेटा। वैसे हम भी यही सोच रहे थे कि तनु भाभी के हाथ ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई। वैसे नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है। आरती? नहीं भाभी, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। मम्मी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे निकलना है। अरे पर नाश्ता तो कर रहे हैं। वो मैं कर लूंगा, बाहर कर लूंगा। बच्चों में बदतमीजी आती कहाँ से? इस पराठे में तो बहुत ज्यादा ऑयल है, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। हाँ हाँ, पोहे खाने नहीं है, पराठे में तेल है, इतने लग रहे। तू ना चुपचाप से जो भी बनाए खा ले। सॉरी आरती, वो आज पहला दिन है ना, तो मुझे पता नहीं था। तुम मुझे बता दिया करना तुम्हें क्या पसंद है, मैं वो बना दूंगी। हाँ ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, इतना सब कुछ बना है, तुम्हें एक चीज पसंद नहीं आ रही। कल से सिर्फ एक ही आइटम बनेगा, खाना है खाओ वरना भूखी रहो, अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, समझी? अब मैं और पराठे लेकर आती हूँ। वैसे हम भी चलते, छोटी बहू के हाथ का नाश्ता तो चख लिया हमने, अब जरा देखें बड़ी बहू का क्या हाल है। आते हम। अब वैसे भाभी बुरा मत मानिए, एक बात कहे, आपके हाथों में वो स्वाद नहीं जो आपकी बहू के हाथों में। चलते। बात बड़ी सीधी है तन्नू जी, बहू का आज पहला दिन है और आपने उसे किचन में काम पर लगा दिया। अरे रसोई की रसम भी पूरी नहीं हुई उसकी। अरे इसमें हमारी क्या गलती है, वही कह रही थी कि उसे सबके लिए नाश्ता बनाना है, अब उसे रोक देती तो उसका दिल नहीं टूटता। अरे लेकिन आप बड़ी हो, समझदार हो, रोक सकती थी ना। अरे आपको दुकान के लिए लेट नहीं हो रहा है,
ऐसे भी ये दो दिन से शादी के चक्कर में ना हमारा इतना नुकसान हो गया। एक काम करिए, हम औरतों की बात हम आपस में सुलझा लेंगे। आप और पराठा लेंगे? नहीं, अपने बच्चों को समझाइए। अरे मम्मी जी, आप किचन में क्यों आ गई? मैं पराठे लेकर बस आ ही रही थी। ये बकैती ना तुम हमारे साथ करो ही मत, और मैं करके हमें मत परेशान करो, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। खाना ठंडा हो रहा है, चलिए खाना खा लेते हैं। अरे नहीं भाई साहब, खाना नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, मीठा तो खा ही सकते हैं। श्रद्धा बिटिया ने खीर बनाया आज। बेटा खीर लिया? थोड़ी सी खीर खा लीजिए। बोला ना नहीं खानी है मुझे, जबरदस्ती मुझे खीर खिलाने पे क्यों तुलियो? सब खा रहे थे तो मैंने सोचा। मत सोचो, और हमारे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।